बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसपी राजकरण नैयर के निर्देश पर पुलिस ने की छापेमारी। 2 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। गांजा की कीमत लगभग 25,000 रुपए बताई गई। मुखबिर की सूचना पर हुई छापेमारी। भीमपुर थाना के सेमरी बारी तिराहा के पास का है यह पूरा मामला। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एसपी राजकरण नैयर के निर्देश पर पुलिस ने की है छापेमारी। 2 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ अभियुक्त हुआ है गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गांजा की कीमत लगभग 25,000 रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर हुई है छापेमारी। भीमपुर थाना के सेमरी बारी तिराहा के पास का है ये पूरा मामला। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर। एसपी राजकरण नैयर के निर्देश पर पुलिस ने की है छापेमारी। 2 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। गांजा की कीमत लगभग 25,000 रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर हुई है छापेमारी। भीमपुरा थाना के सेमरी बारी तिराहा के पास का है ये पूरा मामला। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव में राम मंदिर को बनाने की कोशिश की गई। शहर में लगवाए गए राम मंदिर से जुड़े कई होर्डिंग्स, इसमें दिखाया तब और अब का फर्क। योजनाओं को लेकर भी शहर में लगी है होर्डिंग्स। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर होर्डिंग्स लगवाई गई हैं। विधानसभा चुनाव में राम मंदिर को बुलाने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए शहर में लगवाए गए हैं राम मंदिर से जुड़े कई होर्डिंग्स। होर्डिंग में दिखाया गया है तब और अब का फर्क। योजनाओं को लेकर भी शहर में लगी है कई होर्डिंग्स। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी जगह होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जहां विधानसभा चुनाव में राम मंदिर को विधानसभा चुनाव पर निशाना साधा है। शहर में लगवाए हैं कई होर्डिंग्स। होर्डिंग में दिखाया है तब और अब का फर्क, जिसमें योजनाओं को लेकर भी शहर में लगाई गई है कई होर्डिंग्स। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। शहर में लगवाए गए हैं राम मंदिर से जुड़े कई होर्डिंग्स।